पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के संघ भवन पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, जिसका नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। यज्ञ कर रहे परिषद के सदस्यों का कहना था कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे का सहारा पेंशन को बंद कर सरकार ने कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार अगर इन लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 8 अक्टूबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के महामंत्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अन्यथा यज्ञ देवता, यही आपसे अनुरोध है। हाथ ऊपर से नहीं, लीला लीला सब दिन लीला, फिर से लीला, फिर से लीला। गुरु अश्व तत् सवितुर वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि यो प्रचोदयात्। अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुरानी पेंशन बचाओ बहाली मंच। इसके आगे रणनीति है, 8 अक्टूबर को विशाल धरना लखनऊ में प्रदेशव्यापी होना है, और उसके बाद 25, 26, 27 अक्टूबर को 3 दिवसीय हड़ताल होगी, और उसमें भी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर पे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। 15 नवंबर को पूरे भारत देश के प्रदेशों से संपर्क किया जा रहा है। 15 नवंबर के विशाल रैली लखनऊ दिल्ली में हम लोग करने जा रहे हैं इसके लिए।